नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टाइम्स। मैं निकिता जयमन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइन से। 5 अगस्त को होंगे उपराष्ट्रपति पद के चुनाव, चुनाव आयोग ने की घोषणा। 4 जुलाई को जारी होगी अधिसूचना। सपा नेता शिवपाल की सीएम योगी से गुपचुप मुलाकात, भाजपा में जाने की अटकलों को मिली हवा। अब खबरें विस्तार से। चुनाव आयोग ने आज उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की घोषणा कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त नजीम जैदी ने बताया कि 5 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होंगे, 4 जुलाई को इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। 5 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मत डाले जाएंगे। नामांकन भरने की अंतिम तिथि 18 जुलाई होगी तथा छटनी का कार्य 19 जुलाई को किया जाएगा। उपराष्ट्रपति चुनाव की मतगणना मतदान वाले दिन 5 अगस्त को ही होगी। मौजूदा उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के कार्यकाल का अंतिम दिन 10 अगस्त 2017 है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव की गुपचुप मुलाकात से शिवपाल के भाजपा में जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि इस मुलाकात के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि रिवर फ्रंट घोटाले की जांच रिपोर्ट में अपना नाम आने के बाद शिवपाल ने सीएम से मिलकर सफाई दी है। सीएम आवास ने इस मुलाकात को गोपनीय रखा। समाजवादी पार्टी में हाशिए पर चल रहे शिवपाल ने योगी आदित्यनाथ से सीएम बनने के बाद दूसरी बार उनसे मुलाकात की है। इससे पहले भी वे सीएम योगी से अप्रैल महीने में उनके आवास पर मिलने गए थे। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद भी शिवपाल और अखिलेश के बीच में अब तक सुलह के कोई संकेत देखने को नहीं मिले हैं। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में आज सुबह सुरक्षा बलों ने समय रहते 2 शक्तिशाली विस्फोटकों को निष्क्रिय करने में सफलता हासिल की है। इसके साथ ही एक बड़ा हादसा टल गया है। सूत्रों ने बताया कि रोड ओपनिंग पार्टी आरओपी ने पुलवामा में सर्कुलर रोड पर आतंकवादियों द्वारा सड़क मार्ग पर बिछाए गए 2 शक्तिशाली विस्फोटकों को खोज कर उन्हें निष्क्रिय कर दिया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए राजस्थान टाइम्स।